हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय राशर। फ्रेंड, बिना जोड़ घटाव किए हुए भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाव बनाएंगे, बिल्कुल नया तरीका से यूट्यूब पर ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, आपके पास प्रश्न है कि 6/4 प्लस 3/7, ठीक। तो आप इसको क्या कीजिए, नया तरीका से बनाइए। तो ये है, आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरह आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कर दीजिए। तो 4 × 3 कितना होता है, 4 × 3 होता है 12। तो आप यहाँ 12 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए 6 और 7 है, तो आप 6 और 7 को क्या करेंगे, 6 और 7 को आप गुना कर दीजिए। तो 6 × 7 कितना होता है 42, 42 लिख दीजिए। और फिर बीच में प्लस था तो आपने प्लस का चिन्ह यहाँ दे दिया। अब आप ऐड कर दीजिए, इसको जमा का निशान दिए हैं तो जमा करना पड़ेगा। तो देखिए 2 और 2 4 होता है, आपने यहाँ 4 लिख दिया। और 1 और 4 कितना होता है 5, तो आपने यहाँ 5 लिख दिया। और फिर आप क्या देंगे, बटे का निशान देंगे। और फिर नीचे वाला जो बचा 4 और 7, तो 4 × 7 तो 4 × 7 = 28 ये लिख दीजिए, ठीक। अब फिर आप 2 से काटिए, 2 से काटने के बाद आपका होगा यहाँ 14, और फिर 2 से जब काटेंगे आप तो हो जाएगा आपका 27, ठीक। अब देखिए 27/14 आपका ये आंसर आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव इसी प्रकार बनाएंगे। देखिए कि है ये 2 और 11 को क्या कीजिए, 22 होता है, तो आपने यहाँ 22 लिख दिया, ठीक। अब देखिए ये 13/2 था और 11/4 था, तो 2 और 11 का काम हो गया। अब है क्या, ये आप 13 और 4 को 13 और 4 गुना करेंगे तो 13 × 4 होता है 52, तो आपने यहाँ 52 लिखना है। बीच में माइनस था तो माइनस का निशान दे दिए। अब जब माइनस करोगे आप तो 2 − 2 तो यहाँ आप 0 लिखोगे, ठीक। और फिर जब 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, यहाँ आपने 3 लिख देना है। और फिर 2 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 = 8 होता है, यहाँ आप लिख दीजिए, ठीक। अब आप काटिए, तो काटने के बाद 2 × 8 होता है, और 2 से जब काटेंगे तो ये 15 × 30 होता है, ठीक। तो आपका आंसर आ गया 15/4, ठीक। ये 15/4 आपका आंसर आ गया। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।